मैंने इबादत समझ के ये काम किया है, सो इसलिए या तो मुझे सजाए मौत दें, ये वाले काम मेरे साथ ना करें। हर दूसरे दिन आप मेरे पे एफआईआर दे देते हैं। मैं राणा सनाउल्ला साहब उसके बाद कहते हैं कि जी भुगते हैं जी, इनके रोने निकल गए। मैं मास्क मांग रहा था, मैं रो नहीं रहा था। आपका सांस बंद होगा तो आपके मुंह से भी निकलेगी वो चीज। मेरा सांस बंद था, मैं चुप इसलिए हूं कि मैं बोलूंगा तो उसमें बेतौकीरी है। मैं बुजदिली से चुप नहीं हूं, मैं बेतौकीरी से चुप हूं। गुस्सा है अभी मेरे अंदर, मैं किसी अपने के बारे में कुछ गलत ना कह दूं, क्योंकि मैं गलत, आप अपना आपके साथ गलत भी करता है ना, तो आप गलत वापस नहीं कह सकते। जिससे आपने सारी जिंदगी प्यार किया हो ना, आपके साथ वो ज्यादती भी कर जाए तो आप वापस गलत नहीं कहते। मुझे अदराक है कि मेरे मुंह से कुछ गलत नहीं निकलना चाहिए, वरना इससे ज्यादा मेरे साथ और क्या होना है। जो हो चुका है, जो हो रहा है, मेरी आपने पूरी जिंदगी पिछले 6 महीने में तबाह करके रख दी। मेरी आप यहां तक नहीं रुके कि आपने मेरी बीवी पे झूठे केसेस बना दिए। मेरी बीवी जो कि एक प्रोफेसर है, पढ़ाती है, वहां पे पढ़ती है, पीएचडी कर रही है, आपने उस पर झूठे केसेस बना दिए ताकि वो पाकिस्तान ना आ सके। मुझे आपने ईसीएल पे डाल दिया ताकि मैं अपनी फैमिली से ना मिल सकूं। सब कबूल है, गद्दार मत कहिए, गद्दार नहीं हूं मैं। और जो करना है वो एक एफआईआर में कर लीजिए, आपके हाथ में है। और मैं आपको बता दूं, मुझे किसी ने नहीं बचाना, मुझे यह भी बताया, अगर फांसी आपने देने का सोच लिया तो लगनी है, मैं हाजिर हूं, क्योंकि मैं बच नहीं सकता तो मैं अब और क्या सोचूं, तो मैं हाजिर हूं। अब कर लीजिए, अगर जिंदगी इतनी लिखी तो ऐसे सही। लेकिन आपको पता है कि जिस दिन सजाए मौत दी जाती उस दिन भी नहला के धुला के दी जाती है, उस दिन भी आपको खाना खिलाया जाता है, आपकी किसी सूरत तजलील नहीं की जाती। ये तजलील ना करें कि मुझे पता ही नहीं होता एफआईआर कहां है। मैं हर रोज नई एफआईआर ढूंढ रहा हूं, अदालतों के चक्कर लगा रहा हूं, जी बता दे मेरी एफआईआर कहां है। और आवाज बुलंद करता हूं कि पार्टी के लोग मुकदमे नहीं यार करते, कहते हैं जी पार्टी पे तनकीद कर रहा है। और भाई मैं बता रहा हूं, मैं असद उमर को देखता हूं, वो हर अदालत की पेशी पे खुद पहुंचे होते हैं। हक किनका लड़ रहे हैं? पंजाब के एमपीएस का, कि जल्दी इलेक्शन हो। और वहां 3 एमपीएस होते हैं, बाकी कोई नहीं होता।